सारे भाई ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो भाई गैस करो, यह बिल्डिंग किस चीज़ की, किस चीज़ खातर बनी है, है ना? तो यो कॉलेज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, के है, के लग गया है। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। गलत गलत जवाब। ये स्कूल का निर्माण करवाया गया भाई, क्योंकि मैं जब जा रहा था ना रोड से, और मेन रोड से मैंने देखा भाई ये बिल्डिंग किस चीज़ की है, तो एक भाई से पूछा तो यूँ बोला, जी वो सरकारी स्कूल है। सीरियसली सरकारी स्कूल है भाई, बड़ी गजब बात होगी ना, सरकारी स्कूल। जी तो हम पढ़ा करते, मैं सरकारी में पढ़ा हुआ हूँ भाई, चौथी पाँचवीं तक। जब मैं पढ़ा करता ना, तो छोटे छोटे ओटड़े से उन पर उन्हें टपके चले जाया करते। स्कूल का स्टैंडर्ड देखो क्या हो गया, ये स्कूल का स्टैंडर्ड है भाई। नीचे देखो, उधर देखो, स्टेज इतनी बड़ी है। और अगर मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बताऊँ, तो मैंने ज़्यादा से नहीं पता, मैं सिर्फ इस बिल्डिंग से प्रभावित होकर यहाँ पर आया हूँ। और गार्डनिंग वगैरह सही दुरुस्त है यहाँ पे, ये पानी की टंकी भी बनाई गई है। किस हिसाब से स्कूल को बनाया गया है वो मेरे को ज़्यादा सा नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा सा 4 करोड़ रुपए स्कूल पे लगे हैं। हाँ, 4.87 लाख रुपए। अब लोगों को 4 करोड़ में यह बिल्डिंग बनी, अरे ज़मीन में तो आई होगी, वाह के उन्होंने लग गई। तो जी ये क्या, ये खुला है? ओह खुला है, आओ जी। अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इससे प्रभावित होता है कि ये प्लस टू तक का स्कूल है। बाढ़सा जज्जर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा किया गया है 23 फरवरी 2019, मतलब अभी 3-4 महीने पहले स्कूल का उद्घाटन हो चुका है। अगर मैं यहाँ की जगह देखूँ, बिल्कुल चिप्पस का फरस है भाई। ऊपर जाने की दिखाता हूँ मैं, पैड़ियों की अपेक्षा, पैड़ियाँ शायद आगे हैं इसमें, ये सिस्टम है ऊपर जाने का, अति सुंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक कुंडा लग रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स रूम, ओके स्पोर्ट्स रूम नाम रख दिया है, पर यहाँ पे क्लासेस के हिसाब से बेंच है, खैर वो मैनेजमेंट है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा सारा सिस्टम। क्या सच में तप्पड़ का टाइम जा लिया सरकारी स्कूल में, जो बच्चे जब हम तप्पड़ पे बैठा करते टाइम जा लिया, बेंच बोर्ड ऊपर पंखे, तो काफ़ी अच्छा एक सिस्टम है यहाँ पे। अब हम आगे की बात करें तो चल के देखते ही हैं यार, एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक। अब आगे अगर हम चलें, ये ऑफिस हो गया, ऑफिस में मतलब ये है कि फीस वगैरह का सारा सिस्टम यहाँ से होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम है। अब स्टाफ रूम की बात करें हम, कहने का मतलब है बिल्डिंग तो बन गई, सुंदरता भी होगी, अब क्लास लगनी बाकी है। हो सकता है प्रिंसिपल ऑफिस का लोक लगा हुआ है जी, अब क्लास लगनी बाकी है, हो सकता है लगती हो क्योंकि समर वेकेशन शुरू है। अच्छा जी, वाटर कूलर भी है यहाँ पे। अब कूलर, ओह पानी ठंडा यार। कंडीशनिंग जितनी स्टेज की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए उससे बद्दू है। गर्ल्स टॉयलेट, ये गर्ल्स टॉयलेट सही है यार, मतलब एक अगर हम बात करें ना सरकारी स्कूल कैसा होना चाहिए, सुपर है। बाहर से तो यूँ लगता था जैसे बीटेक का कॉलेज होगा, यूँ लगा था जैसे कोई और कोई सरकारी संस्था हो सका है, लेकिन जब पता चला ना कि भाई ये तो सरकारी स्कूल है प्लस टू तक के बच्चों का, सो इट्स सुपर। बड़ा अच्छा जगह, बड़ी अच्छी लोकेशन है। और इसको बंद कर देते हैं भैया हम, इससे अलग। अब अपना देखो, जो यहाँ के सेवादार हैं, झाड़ू पोछा लग रहे हैं, सफाई पे विशेष फोकस है उनका, तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें लगी यहाँ पे। तो आपकी क्या कुछ राय है यहाँ के प्रति, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर।
अक्सर जब मैं पैड़ियाँ पर बैठ कर वीडियो बनाऊँ मेरी वीडियो वायरल अच्छी हो जावा है, तो मैं हर बार कोशिश करूँ कुछ ऐसा ही बना दूँ यार। काश हम भी बच्चे होते हैं, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। एनीवे, तो इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट लिख के भेजें। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की सच्चाई आप बता सकते हैं, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ कमी है या क्या कुछ धांधलियाँ हुई हैं, तो मैं आपके कंप्लेंट की वेट में हूँ। और मेरे में कुछ कंप्लेंट हो तो बता दियो, बाकी रहूँगा मनुए। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। भारत माता की जय। भाई।